हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो हम लोग टोरंटो से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे, यहाँ पर एक जगह है डरंगटन, ओशवा से कुछ 1 घंटे की और ड्राइव पे आगे हम लोग यहाँ पर आए थे। तो रास्ते में हम लोगों को एक जगह दिखी जो कि इनफैक्ट पहले कभी चर्च हुआ करता था। उसको एक यहाँ के साथी है मकामी, उन्होंने ख़रीद के उसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद के अंदर। और उसकी जो ख़ास बात है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो चर्च जो कि कन्वर्ट होकर जो है मस्जिद में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया उसको। इनफैक्ट इन्होंने इसको ख़रीद लिया, इसको पूरे इस पूरी जगह को, और उसका नाम रखा है इन्होंने मस्जिदुल इस्लाम, हाउस ऑफ द कमांडमेंट्स। और इस नेबरहुड में हार्डली मेरा ख्याल है मुस्लिम यहाँ पर हैं, जो अभी हमें मालूम हुआ अराउंड 60-70 आई थिंक टोटल मुस्लिम हैं, क्योंकि इस शहर की पूरी आबादी जो है टोरंटो की अराउंड 16,000 है मेरा ख्याल है टोटल जो आबादी है। बताया कि टोटल जो आबादी है इसकी वो 16,000 है, इसमें से बहुत कम यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इस चर्च का कन्वर्ट होना मस्जिद के अंदर, और ये एक बड़ी बात है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है इसका वो पूरा एरिया, इनफैक्ट यहाँ से लेके ये पूरी इसकी बिल्डिंग थी, इनफैक्ट बिल्डिंग है ये वाली। और ये इसका सेकेंड इसकी एंट्रेंस है, इसकी पीछे से जो आपको दिखाई थी मैंने। ख़ास बात इसकी ये है यहाँ की कि इसको जो यहाँ के एक मुकामी साथी हैं वो इसको मैनेज करते हैं। और ये मेनली जो जो जगह है ये सिर्फ यहाँ पर 2-3 लोग ही होते हैं जो कि नमाज़ के लिए आते हैं, और उनका मानना ये है कि चूंकि हम 2 लोग आते हैं तो इसकी आते हैं जमात करवाते हैं मगरिब ईशा में, वो लोग आते हैं तो इंशाल्लाह और भी लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे। तो चूँकि ये एक ट्रांजिट प्लेस है, लोग जो कि मॉन्ट्रियल जा रहे होते हैं या US की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो जब सर्च करते हैं जगह को यहाँ पर आके बैठते हैं और नमाज़ अदा करते हैं। अपनी एक फैमिली इनफैक्ट अभी यहाँ पर आई हुई है, आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। मैं ये इसकी एंट्रेंस है, इसका रास्ता है मस्जिद का। और ये सारी इसकी हिस्ट्री, इसके लिए मैंने इसकी के कैसे ये चर्च जो है कन्वर्ट हुआ था। तो जो लोग गैस यहाँ पर आते हैं वो इसमें अपना डिटेल पे लिख के चले आते हैं सारी। और ये इसकी जो मेन एंट्रेंस है, स्टोरी का टेक अवे है वो ये है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला कादर हैं इस चर्च को मस्जिद बनाने पे, वैसे ही वो कादर हैं मस्जिद को कुछ और बनाने में भी। तो हमें चाहिए कि हमारे घर की जो अतराफ़ में जो मसाजिद हैं जो कि इतनी करीब होती हैं, उसके बावजूद लोगों की तादाद वहाँ कम होती है, हमें चाहिए कि अपनी जो नमाज़ें हैं बाजुमत अदा करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जो मसाजिद हैं उनको आबाद करने वाले बने, ताकि अल्लाह ताला हमारे घरों को भी आबाद करें और जो मस्जिदों की रौनक हैं हमारी उनको भी आबाद करें। ये बात आपको जब समझ में आती है मस्जिदों की वैल्यू, जब आप ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ जहाँ पर आपको ढूंढने से भी मस्जिद नहीं मिलती, और मिलती है तो बहुत दूर जाके मिलती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो एरिया ये वाला ये सबर्ब है यहाँ का, और कम्युनिटी यहाँ पर कम है, लेकिन बहुत आई थिंक 1-1 घंटे की लोग ड्राइव करके जो है आते हैं यहाँ पर जुमा अदा करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर जुम्मे में लोग ज़्यादा होते हैं 50-60, अदरवाइज़ नॉर्मल डेज़ में जो है वो जैसे मैंने बताया कि 2 साथी जो हैं वही आते हैं और आपकी जो नमाज़ पढ़ते हैं अपनी, सिर्फ उनकी नीयत यही होती है कि उनके यहाँ आने की बरकत से जो है अल्लाह ताला और लोगों को भी जो है यहाँ लेकर आएँ और पूरी जमात जो इस्टेब्लिश हो। लेकिन
जिन साहब ने ये चर्च डोनेट किया है पूरा ख़रीद के इसको और मस्जिद के लिए, अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए। अबू तालिब उनका नाम है उनका। तो ये था आज का छोटा सा, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। फिर कभी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।